रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो हमें अपनी सोचों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि सोच अल्फाज बन जाते हैं, अल्फाज जो हैं वो आमाल बन जाते हैं, और आमाल जो हैं वो आदात बन जाती हैं, और आदात से किरदार बनता है, और किरदार मुकद्दर बन जाता है। तो इसलिए मुस्बत सोच बनाने के लिए अकायद की हिफाजत करनी चाहिए। और अकायद कैसे पक्के होते हैं? अल्लाह से जुड़ जाओ, कुरान तर्जमे से पढ़ो ऐसी ज़बान में जो आपको समझ आता है, तो इंशाल्लाह हमने कामयाब होना है। तो हम अपनी आज का लेसन जो है वो है हमारा 4 के टेबल पे। तो 4 का टेबल बहुत ज़्यादा आसान है। असल में आप जितनी दफ़ा 4 को रिपीटेडली काउंट करेंगे आपका टेबल आसान होता जाएगा। जैसे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। इसमें आप देखें कि 4 दो दफ़ा रिपीट हुआ है, और 4 × 3 = 12, इसमें 4 को 3 दफ़ा हमने जमा किया है, और 4 × 4 = 16, इसमें 4 को 4 दफ़ा जमा किया है, और 4 × 5 = 20, के इसने हमने 4 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई जमा किया है, और 4 × 6 = 24, इसमें हमने 6 टाइम्स किया है, और 4 × 7 = 28, और 4 × 8 = 32, और उसके बाद है 4 × 9 = 36। तो आप 40 तक अपनी काउंटिंग लिख लें और उसके बाद इसको याद कर लें। 4 × 10 = 40। हर 4 के बाद 4 नंबर रिपीट हुआ है, ये पूरा टेबल है। ऊपर टाइम्स लिखा हुआ है, नीचे 4, 4, 8, 12, 16, 20 up to 40। तो अब हम इसी टेबल में से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ये आप अपनी नंबर लाइन नीचे बना लें। अब देखें 4 × 2, आप देखें कि सेकेंड टाइम जो है वो 4 कहाँ पे आता है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेंसिल लें तो आप देखें कि 8 में 4 + 4 दूसरी दफ़ा 4 रिपीट हो रहा है, तो हम 8 लिखेंगे। 4 × 2 = 8। शाबाश। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 4 × 5। तो आप उसी तरह नंबर लाइन लिखें और आप देखें 40 तक, आप देखें कि पांचवीं दफ़ा 4 जो है वो कहाँ पे रिपीट हुआ है। तो हर 4 के बाद आप दायरा लगा लें और उस बड़े दायरे को काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 जो है वो 20, 5 × 4 = 20, यानी 5 दफ़ा 4 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं, हमारे पास है 4 × 7। तो ये हमारे पास आपने 40 तक नंबर लाइन देख ली। अब देखें कि 4, 8, 12, 16, यहाँ पे वीडियो रोकें और देखें कि 4 7 टाइम्स कब रिपीट हुआ है। 7 टाइम जो है वो 28 पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 × 7 = 28। तो एक्चुअली 4 का टेबल जो है वो स्किप काउंटिंग बाय 4 है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 4 × 8। तो अब आप देखें कि 4, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ पे आ रहा है, 8 टाइम्स 4 जो है वो कहाँ पे आ रहा है। तो 4 × 8 = 32। 32 पे जो है ना वो ये रिपीट हो रहा है। तो 4 × 8 = 32। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी देखते हैं, उसमें है 4 × 3। तो अब आप देखें कि 4 रेड है, फिर 1, 8, और फिर 3 जो है वो किस पे आ रहा है। शाबाश, गुड। तो हमारा जो 3 है वो आ रहा है नंबर 12 पे। तो 4 × 3 = 12। 4 × 3 = 12।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, तो ये हम उसी तरह अपनी काउंटिंग लिख लेंगे 40 तक। अब आप देखें कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 टाइम्स 4 कब रिपीट हो रहा है, जैसे 1 टाइम्स 4 इज 4, 2 टाइम्स 4 इज 8, और ये आ जाता है 6 टाइम 4 रिपीट हो रहा है 24 पे। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।